अरे दीप, देख तेरा एक्स। एक्स? कौन एक्स? अरे तू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये बॉस की चेयर पे क्यों बैठा हुआ है? अच्छा, अब समझी। जब बॉस यहाँ पे नहीं होते तो तू उनके चेयर पे आके बैठ जाता है और तो और उनके कपड़े भी पहन लेता है। हिम्मत तो देखो इसकी। चल खड़ा है ऐसे, उठ। देखो आप दोनों ना मुझे गलत समझ रहे हो। अबे ओ कम बोल, नौकर है ना तो नौकर की तरह रहे। चल हमारे लिए चाय पानी लेके आ। और सुन, बाहर जा रहे है ना तो बॉस को भेज दियो, हमारी ना बहुत जरूरी मीटिंग है। मीटिंग? कैसी मीटिंग? तुझे इससे क्या, तू ना अपनी औकात में रह। यार मुझे तो शर्म आती है कि मैं कॉलेज टाइम पे इसकी गर्लफ्रेंड थी और तूने भी मुझे कभी रोका नहीं। सॉरी यार, यही तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुझे कभी रोका नहीं। पर एक चीज अच्छी हो गई, तुझे ना शिवम ने प्रपोज कर दिया और तूने हाँ भी कर दी। सही कहा तूने। और तुझे पता है शिवम मेरे को कितने एक्सपेंसिव गिफ्ट देता है और बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में ना मुझे खाना खिलाने लेके जाता है। और तो और इसकी क्या ही औकात है उसके सामने, इतना ध्यान रखता है वो मेरा, ये तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। और ना अच्छा ही हुआ कि मैंने सही टाइम पे ना इस फटीचर को छोड़ दिया, वरना मैं भी ना इसके साथ ना टेबल ही साफ कर रही होती। बस तुम दोनों को ना बहुत हो गया। देख देख कसम कैसे बोल रहा है कि बहुत हुआ। बहुत तो तब होगा कि जब मैं तुझे रियलिटी बताऊंगी कि मैंने तुझसे ब्रेकअप किया क्यों था। तुम कहना क्या चाहती हो, मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि तू पहले भी गरीब था और आज भी गरीब है, तू पहले भी फटीचर था और तू आज भी फटीचर है, और पहले भी तू कुछ नहीं कर सकता था और तू आज भी कुछ नहीं कर सकता। बस यही रीजन था तुझसे ब्रेकअप करने का, क्योंकि तेरे साथ रह के ना मैं अपनी लाइफ खराब नहीं कर सकती थी, समझा। दीप, मैं ना तुमसे हमेशा सच्चा प्यार करता था और तुम मेरे बारे में ये सब कुछ सोचती थी। मुझे क्या पता था कि तू गरीब है, मैं तो तेरे साथ रिलेशनशिप में ये सोच के आई थी कि तू रिच है। पर मुझे बाद में पता चला कि तू तो एक नंबर का फटीचर निकला, तू तब भी टेबल साफ करता था और तू आज भी वही काम कर रहा है, इसलिए मैंने तुझसे ब्रेकअप कर लिया। और वैसे भी तो जैसे फटीचर के साथ रहने से अच्छा था कि मैं ना सिंगल ही रह लेती, पर लग बाय चांस मेरी लाइफ में शिवम आ गया और मेरी लाइफ अब इतनी अच्छी हो गई ना कि तू सोच भी नहीं सकता। भिखारी को गुस्सा आ गया, ये पकड़ 500 रुपए और जा हमारे लिए अच्छी सी चाय लेके आ। और सुन, बाकी के जो पैसे बचे ना उन्हें ना तो टिप समझ के रख लियो, तेरे बुरे वक्त में ना बहुत काम आए। तुम दोनों ने ना बहुत बड़ी गलती करी है और तुम्हें इसके लिए ना पछताना पड़ सकता है। रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये क्या कर रहे हो आप दोनों, और तुमने सर का गोलर क्यों पकड़ा है? छोड़ो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम इसे सर क्यों बोल रहे हो? मेरा दिमाग खराब नहीं हो गया, दिमाग तुम्हारा खराब हो गया। तुम्हें पता भी है कौन है? ये इस कंपनी के ना ओनर है, मिस्टर सर्जेश कश्यप। ओनर? सर्जेश मुझे माफ कर दो, मैं तो बस छोटा सा तुमसे मजाक कर रही थी और कुछ भी नहीं। और सर्जेश तुम्हें तो पता ही है कि मैं आज भी तुमसे कितना प्यार करती हूँ। सर्जेश मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी कंपनी के मालिक होगे। प्लीज़ मेरी बातों का बुरा मत माना और प्लीज़ हमारी डील पे इन्फेक्ट मत पड़ने देना इन सब चीज़ों का। प्लीज़ तुम्हें पता नहीं है कि ये डील मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, अगर ये डील मेरे हाथ से चली गई ना तो मैं बर्बाद हो जाऊँगी। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। डील? कौन सी डील? अभी 5 मिनट पहले तुम मुझे क्या बोल रही थी, गरीब फटीचर और न जाने क्या क्या बोला तुम दोनों ने। और जैसे ही तुम्हें पता लगा कि मैं अमीर हूँ और इस कंपनी का ऑनर हूँ, तुमने तो अपने रंग ही बदल दिए। और अभी तुमने क्या बोला था कि तुम मुझसे अब भी प्यार करती हो? ना ना ना, तुम मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करती हो। तुम्हारी जैसी लड़कियों की ना एक आदत बहुत गंदी है, तुम लड़कों को ना कपड़े की तरह बदलती हो। अगर तुम्हें साइकिल वाला मिला है तो तुम्हें बाइक वाला चाहिए, अगर बाइक वाला मिला है तो तुम्हें कार वाला चाहिए, और अगर तुम्हें कार वाला मिला तो तुम्हारी डिमांड और बढ़ जाती है। तुम्हारी जैसी कुछ घटिया लड़कियों की वजह से ना आज की डेट में ना सब लड़कियां बदनाम हो रही हैं, और हम लड़के क्या सोचते हैं कि सब लड़कियां ना एक जैसी होती हैं, लेकिन वो एक जैसी नहीं होती हैं। अरे मैं ना तुमसे सच्चा प्यार करता और तुमने क्या करा, मुझे धोखा दे दिया सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब था
और तुमने एक अमीर से शादी कर ली। दीप, तुमने एक बार भी नहीं सोचा अगर मेरे पास 10 रुपये भी होते थे ना, तो उसमें से ना 8 रुपये ना मैं सिर्फ तुम्हारे ऊपर खर्च करता था। और जैसे ही तुम्हें एक अमीर इंसान मिला, तुमने मुझे छोड़ के उससे शादी कर ली। अच्छी यार, अब ना मुझे तुमसे घिन आ रही है कि मैंने तुम जैसी लालची लड़की से प्यार करा था। शुक्र है भगवान का कि तुमने मुझे छोड़ दिया, वरना आज ना मैं बर्बाद हो गया होता। और हाँ दीप, मेरी एक बात ना हमेशा याद रखना कि इंसान ना गरीब पैदा जरूर होता है, लेकिन वो उसके हाथ में होता है कि उसे सारी जिंदगी गरीब रहना है या अमीर बनना है। मैंने दिन रात मेहनत करी और आज देखो मैं इतने बड़े मुकाम पर हूँ। वो कहते हैं ना कि वक्त सबका बदलता है, और आज देखो मेरा भी बदल गया। शिवम, निकालो इन दोनों को मेरे ऑफिस से बाहर। We'll be right back.